हो गया एकदम ऐसे। अदा का बर्थडे है, मेरी बहुत प्यारी, मेरी बहुत दिल के करीब मेरी ये दोस्त है, बहुत नरम मिजाज है, बहुत शांत है, बहुत रिजर्व्ड है, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ये है अदा, हमारी अदा। मैं बस ये दुआ करती हूँ कि जो भी चालू किस्म के लोग हैं, वाहियात किस्म के लोग हैं, वो अदा से दूर रहे, अदा की लाइफ से दूर रहे, और अल्लाह ताला ये साल इंशाल्लाह इतना उस पर ब्लेसिंग्स दे के उसको एक हैंडसम सा प्यारा सा लड़का मिले, दिल का अच्छा, और अदा जल्द से जल्द सेटल हो जाइए, चाहती हूँ मैं। अदा से पहली मुलाकात कब हुई थी? अदा से मैं मिलती रही हूँ आई गेस 3 साल पहले, अवार्ड्स नहीं, कुछ 10 ईयर, सेकेंड थर्ड ईयर कोई ITC मराठा में कोई चीज़ में हम मिले थे, कोई फंक्शन था इट सीम्स। उसके बाद फिर गैप ऑफ 2 ईयर्स, फिर 1 साल बाद, मगर आई गेस लास्ट 1.5 साल से मैं अदा के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि जहाँ हमारी शूट है साथिया की, उर्मी हाउस जो बना है उसके बैंक ऑपोजिट, मेरे ही प्रोडक्शन का जो शो आया था अदा वहाँ थी, तो डेली नोट पे मिलना होता था, तो बहुत ज़्यादा करीब आ गई। ऐसे फिलहाल बहुत मतलब होता है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि ग्लैमर वर्ल्ड में हर कोई चेहरा लगा के घूमे, दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है काफ़ी आर्टिस्टों में है, दिखता है, और मेरे और अदा में बहुत ज़्यादा है, और मेरे भी और आर्टिस्टों में और ज़्यादा है, मगर ओके अदा इज़ वन ऑफ देम। यार मुझे बड़ा डर लगता है जब बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आती है, सबसे पहले हर कोई पूछता है आपकी एज क्या है, मगर एनी विच वेज आई गेस मैंने लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मेरी सिस्टर ने एक पार्टी थ्रो की थी, मेरा पहला बर्थडे आई गेस बचपन के बाद इतने बड़े एज में ऐसे थ्रो हुआ था, मैं बड़ी नर्वस थी, बर्थडे पे आते आते बीच रास्ते से मैं पलट के चली गई, मैं बहुत डर गई थी, मैं नर्वस हो गई थी, फिर जो मेरे सीरियल का उमंग करके जो कैरेक्टर है जो मेरा बॉयफ्रेंड बना है वो मुझे पकड़ के लाया, अंदर लाया, फिर थोड़ा 1 घंटा लिया, मेरे सारे लोग आए हुए थे, फिर कैसे ऐसे वैसे नॉर्मल हुई, पर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि मेरी बर्थडे पार्टी थ्रो, आई डोंट लाइक इट। That's birthday, we have to be here. सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and I'm very happy. और मैंने expect नहीं किया था कि मेरी इस अभी कोई पार्टी होने वाली है because मेरे yeah, it's a surprise birthday party for Ada. Yeah, and also I was not planning to have a party this year because my friends are not in town. So, लेकिन अब friends ने कर लिया तो wow, I'm very happy. और अब कर लिया धमाल तो करना ही है। ये पहली बार आपको सरप्राइज मिला कि पहले भी आपको सरप्राइज मिला? लास्ट ईयर भी मेरे लिए सरप्राइज था और लेकिन इस साल तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज़ मेरे भाई ने और मैक ने और डिंपल ने सबने मिलके हेलो मैंने भी और इसने भी कोऑर्डिनेट किया, मतलब सबने अपनी अपनी टीम बना ली और सबने एक साथ कोऑर्डिनेट किया है यहाँ पर। आपके लिए लोग सरप्राइज देते हैं, आप किसी को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज बर्थडे देना चाहते हैं क्या? सरप्राइज बर्थडे क्या? आप किसी को इंडिविजुअल को देना चाहते हैं सरप्राइज बर्थडे? आपको मिला है सरप्राइज बर्थडे, लेकिन आप इसको? मैंने तो दिया है यार, बहुत टाइम दिया है, तो इसलिए आई थिंक मुझे भी सब लोग सरप्राइज बर्थडे देते हैं। हाँ सरप्राइज बर्थडे ये देती है, एकदम रात को थमक जाती है घर पे बेल बजा के बर्थडे पे, सो यू नो शी डिजर्व्स अ सरप्राइज बर्थडे बैश। एवरीबॉडी लव्स मी। या
देखिए बॉम्बे में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत अजीज़ हैं, उसमें से अदा है, और मैं उनको अपने उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है जो आज जो बर्थडे हो रहा है, इससे बड़ा बर्थडे अगले साल भी हो, तो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज बर्थडे था, उनको मालूम नहीं था इस बारे में। जी सरप्राइज बर्थडे आपको कभी अपनी लाइफ में मिला है? नहीं यार, आप दोगे मुझे? नहीं नहीं, मुझे आज तक कोई बर्थडे सब कोई पार्टी सरप्राइज कभी नहीं मिला यार। क्या कहेंगे, किस तरह की अदाकारा है, किस तरह की इंसान है अदाकारा? सी एज फार एज एन एक्ट्रेस पार्ट इज कंसर्न तो एवरीबडी नोज इट, बट सबको पता ही है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं इंसान की बात करूँ, मैंने आपको पहली लाइन बोली कि वो जो कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल के बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत करीब होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्योर, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही हार्ड वर्किंग, क्योंकि मुझे हार्ड वर्किंग लोग वाकई बहुत पसंद है। तो शायद मैं, अगर हमारी दोस्ती हुई है तो काम को काम से काम हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं। जब वो अमृत मंथन करी थी एक शो, उसका काफ़ी काम मुझे अच्छा लगा था, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था, वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। अरे कौन सा ग्लैमर यार, कौन सी, मतलब सब दोस्त हैं, सब एक ही घर से आते हैं, सबका बैकग्राउंड एक ही होता है ऑलमोस्ट, सब हार्डवर्क करते हैं, सब 12 घंटे काम करते हैं। मेरे ख्याल से सिमिलैरिटीज इतनी मैच हो जाती हैं, इतना ज़्यादा होती है कि इंटरेस्ट मैच होते हैं। तो मेरी तो सबसे दोस्ती है यार, और मैंने दोस्ती देखी ही है एक्चुअली। मुझे भी अच्छा लगा म्यूजिक। अदा खान का सरप्राइज बर्थडे, अदा खान को कब से जानती हैं आप, और क्या कहते हैं एज अदाकारा, एज अ ह्यूमन बीइंग? मैं अदा को काफ़ी सालों से जानती हूँ, शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, और बहुत स्वीट है। उसका सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, उसके भाई ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखा है, सो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऐसा भाई ने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा, इतना सुंदर सरप्राइज पार्टी रखा, और हर एक उसके फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग। मतलब भाई याद कर करके सारे फ्रेंड्स को बुलाना, दैट्स एक्चुअली अ बिग थिंग टू डू। बहुत स्वीट है। और पहली मुलाकात कब हुई थी आप लोगों को अदा से? मतलब अदा से पहली मुलाकात आई थिंक 1.5-2 साल पहले हुई थी। हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, यूजली लोगों को जानने में टाइम लगता है, बट जहाँ तक मेरी और अदा की इक्वेशन है, ये बहुत स्वीट है, चिल्ड आउट है, क्यूट है, हम टाइम स्पेंड बहुत आराम से कर सकते हैं, फील नहीं होता है कि इतना सारा टाइम चला गया। और सरप्राइज पार्टी है तो सरप्राइज की तरह ही अच्छा लगता है। आपको कभी सरप्राइज पार्टी मिली अपने बर्थडे के लिए? मतलब इतने हाँ, मुझे काफ़ी टाइम मिला है, मेरे फ्रेंड से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिला है, मेरे मॉम डैड से सरप्राइज बर्थडे पार्टीज मिले हैं, सो डेफिनेटली मैंने से सरप्राइज बर्थडे पार्टी और ऑलवेज एक्साइटेड। मतलब बर्थडे में हर कोई इंसान बहुत एक्साइटेड रहता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, और व्हेन इट कम्स टू सरप्राइज बर्थडे पार्टी आई जस्ट गो गागा। बर्थडे जब होता है किसी का तो आदमी यंग होता है या ओल्ड होता है आपके हिसाब से? मतलब ओल्ड बर्थडे दिल से तो यंग ही होता रहता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, आप जब ग्रो करते हो, अगर आपकी ग्रोथ इन पास है, तो मेरे हिसाब से उम्र बढ़ना या बड़े होना सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक न्यू एक्सपीरियंस है। लेकिन कई बार आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो वो बहुत ऑफल भी हो सकता है, बट हाँ लर्निंग है, एक्सपीरियंसेस है, तो आप यंग ही होते हो।
We'll be right back.